Parsons image of why men obey. Parsons response to the obedience of men in a society helps to comprehend better his image of power and authority. Parson gave following reasons for such obedience. Like the powerless comply with the powerful in a society because powerful have the capability to make binding decisions on behalf of entire society. किसी भी पॉलिटिकल सोशियोलॉजिस्ट की फिलॉसफी के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पॉटेंट डिबेट क्या होती है इम्पॉटेंट डिबेट ये होती है कि वो रूलर्स और आम आदमियों के ताल्लुक को किस तरह से एक्सप्रेस करता है टेलकोट पार्सन ने जब इस सवाल का जवाब दिया डेट वाई मैनू आम लोग जो हैं वो क्यों रूलर्स को लॉज को उनके ऑर्डर्स को उनके बनाए गए कवानीन को क्यों ओबे करते हैं तो उसमें पहली रीज़न जो उन्होंने दी कि पावरलेस जो है वो मजबूर है कि वो पावरफुल के बनाए हुए या उसके दिए हुए ऑर्डर्स को फॉलो करें और उनको ओबे करें बिकॉज एन अदर रीज़न इज दैट पीपल डू ओबे बिकॉज दे हैव फ्रीली सिलेक्टेड टू ऑक्योपाई सच रोल बेस्ड अपॉन द प्रिवेज दोज रोल्स प्रोवाइड ये ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि वो लोग जो ऑर्डर्स को ओबे करते हैं बेसिकली वो अपनी रज़ामंदी से करते हैं क्योंकि उन्होंने उनके हिस्से में जो रोल आया है वो उस पर वो वो उसके साथ एग्रीड हैं कि उन्होंने ये रोल परफॉर्म करना है और जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी बात को तो उन्होंने फॉलो करना है दोज इंडिविजुअल्स हु ओबे द कमांड्स ऑफ अदर इंडिविजुअल्स डू सो बिकॉज ऑफ़ द आब्लिगेन ऑफ देयर रोल अब यहाँ ये सवाल है कि जहाँ क्यों लगता है कि पासन उन लोगों के हवाले से जो मजबूरी के अंदर अपने रोल को परफॉर्म करते हुए ऑर्डरस को ओबे करते हैं क्योंकि उनका रोल ही ये है कि उन्होंने अपने से ऊपर वालों की बात को मानना है इसलिए दे हैव टू फॉलो पीपल ओबे बिकॉज दे रियलाइज दैट डूइंग अदरवाइज माइड कंपेल पावरफुल टू यूज़ कर्सिव मीन्स और एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ये वो परस्पेक्टिव ये वो पॉइंट है जो आज कल की दुनिया में भी है कदीम से लेकर आज तक जदीद माशरों के अंदर भी अफराद को इस बात का एहसास होता है कि अगर उन्होंने बात को नहीं माना अगर उन्होंने उन ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया तो उनके ऊपर कर्सिव मीन्स जो हैं वो फोर्स के अप्लाई हो सकते हैं यानी ताकत के जरिए भी उनसे बात मनवाई जा सकती है इसलिए वो मजबूर हैं कि वो हर सूरत में फॉलो ही करेंगे सो इनदर इम्पॉर्टेंट रीज़न इज़ दैट इंडिविजुअल्स ओबे बिकॉज दे रियलाइज दैट दोज कमांड्स विच नीड्स ओबीडियंस नीड्स टू बी ओबेड बिकॉज दे आर बटर स्टेड बाई द वेरी हाइस्ट वैल्यूज़ ऑफ अ सोसाइटी अब यहाँ ये पर्सपेक्टिव जो है ये इसलिए इंटरेस्टिंग है या इसलिए ये हकीकत से करीब तर है कि लोगों का ये ख्याल होता है कि जो आ, उनको कमांड मिली है उन्होंने ये इसलिए क्यों पे करना है क्योंकि वो आ, अगर वो फॉलो नहीं करेंगे और माशरे के अंदर जो निज़ाम चल रहा है उन वैल्यूज़ को आगे बढ़ाने के लिए ये ज़रूरी है कि वो अथॉरिटीज़ की तरफ से दिए गए ऑर्डर्स को फॉलो करते रहें ताकि निज़ाम जो है मुशरा जो है वो आगे बढ़ता रहे चुनाची हम ये कह सकते हैं कि टेलकोट पार्सन ने जब इंसानी मुशरे के बारे में ये इस बात पर अपना नज़रिया पेश किया कि लोग जो हैं वो ऑर्डर्स को क्यों ओपे करते हैं तो उसमें डिफरेंट वेरिएशंस जो हैं डायमेंशंस जो हैं उनको एक्सप्लोर किया गया कि ये इंसान बाज़ मजबूरी में फॉलो करता है बाज़ वो अपने रोल की लिमिटेशन को समझते हुए फॉलो करता है बाज़ ताकत का जो इस्तेमाल है उसका खौफ होता है यानी खौफ की वजह से भी लोग जो हैं फॉलो करते हैं लेकिन बाज़ एक और एलिमेंट भी आता है और ये एलिमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंट और इंटरेस्टिंग है कि ये इंसान की नेचर है इंसान की तरबियत का हिस्सा होता है कि अगर वो अपने रोल के साथ अगर वो गाने हैं अगर वो उस पर मुतमिन है तो वो ऑर्डर्स को फॉलो करेगा ताकि माशरे में कोई ख़राबी पैदा ना हो माशरे के अंदर कोई ऐसी बिटरनेस क्रिएट ना हो जो मुशरे की जो सोशल ऑर्डर की वर्किंग को जो पॉलिटिकल ऑर्डर की वर्किंग को डिस्टर्ब कर दे तो ये वेरियस डायमेंशनस हैं जब हम बात करते हैं टेलकोट पारसन की फिलॉसफी में दैट वाई मेन ओबे